सो हेलो पोकेमोन फैंस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पोके साहिल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कम्युनिटी टैब अब अनेबल हो चुका है, तो अब जो से भी वीडियो आनी होगी मेरे चैनल पे उसकी जानकारी आपको पहले ही कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगी, तो रोज़ चेकआउट कर लिया कीजिए कम्युनिटी टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 टाइम एस चार्जर टू 10, यानी मेरा मतलब कहने का यह है कि हम इस चार्जर्ड के 5 बार आने का रैंक करने वाले हैं। यानी नंबर 5 पे जब चार्जर्ड वापस आया था तो वो काफ़ी कुछ बेकार पोजीशन रही होगी, तो ऐसे ही कुछ होंगे औसम इस वीडियो में। तो बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। चार्ली मेरे दोस्त, इंट्रो लगा दे यार। ओके मेरे बॉस, इंट्रो लग गया था। तो पोकेमोन जर्नीस आप सभी ने देखा ही होगा। अरे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, पोकेमोन फैंस हो तो पोकेमोन जर्नीस तो देखे ही होंगे। तो आपने वो एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें एस गेंटो जाता है, तो उसमें हमारा चार्जर्ड आता है, तो इसी को हम रखने वाले हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे आता है पोकेमोन जर्नीस रिटर्न चार्जर्ड, तो वो जर्नी का एपिसोड है इसलिए मैंने इसका नाम जर्नी रख दिया है। तो उसमें जब चारी जाट आता है तो कुछ नहीं करता है, तो फुल्ली उसको इग्नोर कर रहा होता है, ना ही उससे गले मिलता है ना हाय हेलो कुछ नहीं। हमें सिर्फ चारी जाट शुरू में और आखिरी में दिखा दिया जाता है, इसलिए तो मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है, बेचारा चारी जाट। नंबर फोर पे मैंने चारी जाट की वापसी जो रखी है वो है बैटल फ्रंटियर, जब एस ब्रैंडन से लड़ता है जो कि 7वां बैटल फ्रंटियर का मेंबर रहता है, तो उससे लड़ने के लिए ऐसा अपने पुराने पोकेमोन को बुलाता है जैसे चार्जर्ड, स्कॉटल, बल्बासोर, पिकाचू तो उसका रहता ही है, तो उसमें भी अपना चार्जर्ड आता है, तो उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं करता उसमें चार्जर्ड, सिर्फ डस्कल से लड़ता है और बाकी पोकेमोन से तो हार ही जाता है। और एस भी सोचता होगा मैंने तुझे क्यों बुलाया चार्जर्ड, तो इसलिए तो मैंने इसे नंबर 4 पे रखा है। और नंबर 4 पे जब ये है तो नंबर 3 पे कौन होगा, चलिए चल के देखते हैं। तो नंबर 3 पे जो चार्जर्ड की वापसी है, वैसे पिछले वाला हॉइन वापसी थी, तो ये वापसी है जोटो वापसी। जी हाँ दोस्तों, यानी हम बात कर रहे हैं जोटो रीजन में जब होता है एस वर्सेस गैरी का मैच, तो और हाँ इसी में मैंने एस वर्सेस जिम लीडर जो थी ना क्लेयर, उससे भी जब लड़ता है एस तो चार्जर्ड को बुलाता है, तो मैंने गैरी और ये दोनों को एक ही में रखा है क्योंकि ये जोटो में आते हैं दोनों इसलिए। और हाँ साथ में वो ब्लेजी कैन से भी लड़ता है, तो समझ लीजिए ये तीनों मैच नंबर 3 पे आते हैं चार्जर्ड के रिटर्न में। इन तीनों में ही एस ने अपने चार्जर्ड को वापस बुलाया था चार्जपीक वैली से, और चार्जर्ड ने क्या उमदा प्रदर्शन किया था। पहले वो क्लेयर के ड्रैगन एयर से जीता, फिर गैरी के ब्लास्ट नॉइज से, हाँ वो ब्लेजी कैन से हार गया था, इसलिए तो ये नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे कौन हो सकता, कैसा हो सकता है, गेस करो। यस, नंबर 2 पे है यूनिवा वापसी यानी यूनिवा रिटर्न। तो जब एस यूनिवा रीजन के एक एपिसोड में जब चार मेंडर को देखता है तो एस को भी अपना चार्जर्ड याद आ जाता है, तो वो एन और आयरस क्लैन जो भी हो साइलेंट को बताता है कि मेरे पास एक चार्मेंडर था, उसकी पूरी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसे एक ट्रेनर ने छोड़ा और फिर मैंने उसको पकड़ के ले गया, किया वो विकसित हुआ 4 मिलियन में, फिर वो बना चार्जर्ड और वो मेरी बात नहीं मानता था, फिर पॉली रात ने उसे मारा मुक्का, तब से उसने याद आई मेरी हर बात, फिर वो मेरी बात मानने लगा, अब मैं भी बोला अब तुमने पहले मेरी बात नहीं मानी तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, जाओ चार्जपीक वैली में पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस बनो। तो चार्जपीक वैली के बाद फिर आता है एस, तो इसमें चार्जर्ड पर सिर्फ ड्रैगन हार्ट की क्या ओपी बैटल होती है अगर आपने नहीं देखा तो। हाँ ये एपिसोड में जल्द हिंदी में भी देखने को मिल सकता है टीवी में, क्योंकि ये सीजन 15 का ही एपिसोड है या फिर सीजन 16 का, आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना। तो तैयार हो जाइए नंबर 1 पे चार्जर्ड की वापसी के लिए। नंबर 1 पे ऐसा मैंने रखा है जो आपको काफ़ी अच्छा ही लगेगा, एस जब पहले फ्रंटियर बेन से लड़ता है तो उसके पास होता है फाटी गुरु, जिससे लड़ने के लिए एस किसे बुलाता है, हाँ चार्जर्ड को, तो ये बैटल भी ओपी रहती है इसलिए तो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। वैसे मैंने चार्जर्ड की और कोई वापसी बैटल तो नहीं छोड़ी है, तो उसका कमेंट कर देना, वीडियो में मज़ा आई होगी और चार्जर्ड की कुछ इंटरेस्टिंग बैटल स्टाइलिंग पता चल गई होगी और उसके बारे में जानकारी। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए अपने दोस्त पोकेमोन फैंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
जिन्होंने नहीं किया है और जिसने पहले से कर रखा है वो प्लीज़ चेक कर ले, कहीं बेल तो ऑफ नहीं है, ऑल कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तब तक लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। चार ही जाट मेरे दोस्त, इंट्रो लगा दे यार, ये क्या बोल रहे हो।